तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की सबसे बेस्ट एक्शन एडवेंचर मैजिक मूवी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारी पहली मूवी है द वंडरिंग अर्थ 2 2023 में रिलीज हुई। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है हमारे सौर मंडल की जो कि खत्म होने वाला है, जिसका कारण सूर्य है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा खत्म होती जा रही है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी के सभी साइंटिस्ट ये निर्णय लेते हैं कि वो पृथ्वी को किसी और सोलर सिस्टम में ट्रांसफर करेंगे। ऐसा वो कैसे करेंगे और कैसे पृथ्वी को बचाएंगे, क्या वे कामयाब हो पाएंगे या नहीं, जानने के लिए देखिए इस मूवी को। हमारी अगली मूवी है बार्बरीन। अगर आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है तो डेफिनेटली ये मूवी आपके लिए, क्योंकि हॉरर जॉनर की सबसे बेस्ट मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक लड़की की जो ऑनलाइन अपने लिए एक घर को बुक करती है, और जब वह उस घर में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर तो पहले से ही कोई और रह रहा है। लेकिन रात को जब वो वहां पर पहुंचती है तो वह सोचती है कि वो कहां पर रुकेगी, लेकिन फिर वो लड़का वहां पर उसे रुकने की इजाजत दे देता है, जो कि इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। आखिर ऐसा इसके साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए इस मूवी को। हमारी अगली मूवी है कीपिंग अप विद जोनसेस। अगर आपको कॉमेडी मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है, और ये कॉमेडी मूवी की सबसे बेस्ट मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक फैमिली की जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से रह रही होती है, और उसी के पड़ोस में एक कपल रहने के लिए आता है जिनके साथ इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन फिर इन दोनों को पता चलता है कि ये एक गवर्नमेंट एजेंट है जो कि सीक्रेट मिशन के लिए यहाँ पर आए हैं, और वे भी इनके मिशन में शामिल हो गए। आखिर इनका मिशन क्या है और किस वजह से ये इनके पास आए, जानने के लिए देखिए इस मूवी को। हमारी अगली मूवी है रिबेल मून। अगर आपको फीमेल एक्शन मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है हमारे कैरेक्टर की जो कि युद्ध से दूर शांति से रहने के लिए एक प्लैनेट पर पहुंच जाती है, और तभी वहाँ पर दुनिया पर राज करने वाले मदरवुड के लोग आ जाते हैं। मदरवुड के लोगों को इस प्लैनेट के लोगों से कुछ चाहिए, जिसके लिए इन्होंने इस प्लैनेट के लोगों को कुछ समय का वक्त भी दिया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे उस चीज को जबरदस्ती ले जाएंगे, उस प्लैनेट को भी खत्म कर देंगे। अब देखना ये कि क्या हमारी कैरेक्टर इन लोगों को और इनकी उस चीज को बचा पाती है या नहीं, जानने के लिए मूवी को। हमारी अगली मूवी है वोंका। अगर आपको मैजिक एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है वोंका नाम की एक लड़की की जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट चॉकलेट बनाता है, वो भी मैजिकल चॉकलेट, जिसे खाकर लोगों के अंदर पावर आ जाती है, वो भी अलग अलग पावर। अब इसका एक सपना ये भी है कि ये शहर में अपनी एक दुकान खोले, लेकिन जब ये शहर जाता है तब इसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। आखिर वो मुसीबत क्या है और क्या ये उससे बच पाएगा नहीं, जानने के लिए देखिए इस मूवी को। हमारी अगली मूवी है अननोन द लॉस्ट पिरामिड। अगर आपको हिस्ट्री पर आधारित मैजिकल एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक पिरामिड की जो कि कहीं गायब हो चुका है और किसी को नहीं मिल रहा। आखिर इस पिरामिड के अंदर क्या है जिसकी वजह से ये गायब हो चुका है और क्यों लोग इसे ढूंढ रहे हैं, जानने के लिए देखिए इस मूवी को। हमारी अगली मूवी है 24 Hours to Live 2017 में रिलीज हुई। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक सीक्रेट एजेंट की जो अपनी एजेंसी के लिए बड़ी ईमानदारी से काम करता है, और जब इसके रिटायरमेंट का समय आता है तो इसकी एजेंसी वाले इसके पूरे परिवार को काफी बुरी तरीके से तड़पार का मार देते हैं। पर अब देखना ये कि क्या हमारा हीरो इसकी वजह जान पाएगा और अपने परिवार का बदला ले पाएगा या नहीं, जानने के लिए देखिए इस मूवी को। हमारी अगली मूवी है द बर्निंग सी 2021 में रिलीज हुई। ये एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है कुछ लोगों की जो समुद्र में तेल निकालने के लिए समुद्र के अंदर प्लांट लगाते हैं। कुछ समय तक इनका काम सही चलता है, लेकिन फिर इनके प्लांट में हो जाता है ब्लास्ट, जिसका कारण पता लगाने के लिए समुद्र के अंदर जाते हैं। और जब ये समुद्र के अंदर जाते हैं और उस दृश्य को देखते हैं तो इन्हें इनकी आंखों पर यकीन नहीं होता। ऐसा इनके साथ क्या होता है और क्या ये देखते हैं, जानने के लिए देखिए इस मूवी को। हमारी अगली मूवी है डैन ऑफ थिंग। अगर आपको मनी हिस्ट जैसी मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली आप ही के लिए बनी है। इस मूवी में हमें एक चोरी के ग्रुप को दिखाया जाता है जो काफी बड़ी बड़ी चोरियां करता है, और इस बार भी वो एक बहुत बड़ी चोरी करने वाले हैं फेडरल बैंक के अंदर, जिसके अंदर 24 घंटे $508 बिलियन रहते हैं। अगर मैं आपको अंदाजा दूं कि ये कितनी बड़ी रकम है तो आप इससे अंदाजा लगा दीजिए कि आप इससे पूरे पाकिस्तान को खरीद सकते हो और उसकी गरीबी भी मिटा सकते हो। लेकिन इस बैंक के अंदर 50 बार चोरी हुई है और हर बार चोर पकड़े गए हैं और हर बार उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो चुकी है, और इस बार भी सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है। ऐसे में किस तरीके से अपनी चोरी को अंजाम देने, जानने के लिए देखिए इस मूवी को।